हेलो पीपल, दिस मीशान, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉकआई, अनदर सीरीज ऑफ मार्वल ऑन डिज्नी प्लस। जैसे मार्वल की सीरीज आई है सारी, वांडा विजन, द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी, अब ये नया एडिशन है हॉकआई। एंड आई थिंक दिस इज, ये जो मिनी सीरीज का एक आया है ना, ये 6-7 एपिसोड का, दिस इज यू नो आई थिंक अ वेरी स्मार्ट डिसीजन और बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है इसमें। और हर एक सीरीज एक से एक बढ़ती हुई आ रही है, एक भी सीरीज अभी तक ऐसी नहीं है इनकी कि जिसे लगाओ कि यार ये क्या है, यू नो मज़ा नहीं आ रहा है, बट नो, एवरी सीरीज एवरी एपिसोड इज जस्ट एक से बढ़कर एक। सो आई हैव यू नो हाई होप्स विद दिस वन ऑल्सो। दिस इज ऑफिशियल ट्रेलर, इट्स 1 minute and 52 seconds लॉन्ग। सो पहले हम ट्रेलर देखते हैं, देन वील टॉक अबाउट इट अ लिटल। सो हियर वी गो। दिस इज द फर्स्ट क्रिसमस वी हैव हैड टुगेदर इन इयर्स। I love you guys. I'm making up for some lost time. Yep. Authorities are wondering if the masked vigilante who terrorized the city's underworld is back. The past is caught up with me. Should we be worried? No, no, it's nothing. I'll be home for Christmas. I promise. क्रिसमस टाइम पे ये कंक्लूड होगा। आई डोंट रिमेंबर द डेट, लेकिन 28-29 दिसंबर को ये इसका लास्ट एपिसोड आएगा। सो आई थिंक थोड़ा सा यू नो गैप रहेगा एपिसोड्स के बीच में, बट दिस लुक्स रियली ग्रेट यार, दिस लुक्स रियली वेरी ग्रेट। एंड आई वाज एक्चुअली होपिंग टू सी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कैरेक्टर, इज इट येलेना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कैरेक्टर जो ब्लैक विडो मूवी में, ब्लैक विडो की यू नो नताशा रोमानोफ की जो बहन होती है छोटी, I was hoping I'll see that, see her in this trailer, लेकिन ऐसा है हुआ नहीं। बट हमें पता है कि she'll be here, क्योंकि जो Black Widow की ending थी उसमें now I'm forgetting the name of that character, मेरी memory को क्या हो गया, now I'm forgetting the name of that character, जो Falcon और the Winter Soldier में you know उसके पास आती है। Damn, what is wrong with me? I always remember the name, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहे हैं। John Walker, right? That was the name of the new Captain America. Was it John Walker? I think John Walker. Whatever, yeah, whatever. So, you know, जो नया Captain America होता है, उसके पास आती है, and she transforms him into US agent. And अब इसके पास आई, and she's recruiting her as well. You know, Scarlett Johansson's sister, sorry, Natasha Romanoff's sister. So, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी एक alliance बना रही है, और उसने उसको already, you know, ऐसा माइंड वॉश कर दिया है, उसका ऐसा मैनिपुलेट कर दिया दैट हॉकआई इज द रीजन जिसकी वजह से स्कारलेट जोहानसन मरी, विच इज डिबेटेबल, क्योंकि जब वो सोल स्टोन लेने के लिए गए थे एंड गेम में, तो इट वाज आइदर हॉकआई और नताशा, दोनों में से किसी एक को यू नो अपनी जान देनी थी, एंड दे बोथ एक्चुअली फॉट, एंड नताशा वॉज द वन हु गेव हर लाइफ सो दैट सोल स्टोन कुड बी रिट्रीव्ड। सो दैट इज अमेजिंग। इसमें यू नो ये जो नया कैरेक्टर है जो लड़की का,
केट नाम है आई थिंक इसका. आई हैव नॉट यू नो रेड हर कॉमिक्स और एनीथिंग, बट आई नो हर बिकॉज शी वॉज यू नो एन एडिशनल कैरेक्टर इन अ वीडियो गेम कॉल्ड मार्वल्स एवेंजर्स. उसमें मैंने वो गेम खेला है, मैंने उसे एंड किया. दैट गेम, द होल गेम इज अवेलेबल एज यू नो इन द फॉर्म ऑफ गेम प्ले वीडियोज ऑन माई अदर चैनल विच इज माई गेमिंग चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. सो उसमें मैंने गेम खेला है. वो कैरेक्टर तब उस टाइम पे नहीं था क्योंकि मैंने मेन स्टोरी खेली है. शी इज अ डी एल सी एडिशन एंड उसमें केट बिशप है. एक्चुअली केट बिशप, यस, दैट्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर. शी इज यू नो द न्यू हॉकआई, यू कैन से. सो आई रियली लव द प्रेमिस कि उसने कुछ देखा, क्लिंट बार्टन, उसने कुछ देखा एंड उसने कॉस्ट्यूम देखी. रॉनिन की कॉस्ट्यूम थी वो, जो एंड गेम में उसने सोर्ड वाला, यू नो इट इज अ डिफरेंट कैरेक्टर. जो क्लिंट बार्टन ही हॉकआई का मेंटल छोड़ के ही बिकम्स रॉनिन आफ्टर द लॉस ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि एंड गेम में उसकी सॉरी इन्फिनिटी वॉर के एंड में उसकी पूरी फैमिली यू नो दे वर जस्ट गॉन विद द स्नैप. और इसीलिए स्टार्टिंग में दिखाया कि वो अपनी फैमिली के साथ सारा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, एवरीथिंग. एंड यू नो बच्चे बड़े हो गए उसके, क्योंकि इट्स बीन यू नो मोर देन 5 years नाउ. So he's trying to make up for the lost time. लेकिन problems खत्म कहाँ होती है Avengers की life में. So you know उसे दिखा कोई costume में and it just strike back कि Ronin की costume में कौन है. That's how the story begins. I think this is going to be funny. This is going to be action packed. जैसे हमें सारी Marvel की जितना भी Marvel से, it's not just limited to series, movie series जो भी होता है. Right now I'm watching What If. मैंने थोड़ा late शुरू किया है, so मैंने अभी सिर्फ 2 episodes देखे हैं. कैप्टन कार्टर और इफ टचाला वॉज स्टार लॉर्ड, तो मैंने ये दो एपिसोड देखे हैं. नाउ आई विल वॉच द थर्ड वन. आई थिंक आई विल वॉच इट टुमारो नाउ. सो मैं वो भी देख रहा हूँ बीच में. तो इनका जो यू नो कॉन्टेंट है मार्बल का, दैट इज लाइक यू नो अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ कॉमेडी, अमेजिंग एक्शन सिक्वेंसेज, अमेजिंग एक्टिंग, इंट्रोडक्शन टू न्यू कैरेक्टर्स, वैसे कुछ इसमें हमें देखने को मिलेगा. एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी यू नो अ फन राइड. So that's it guys. आप मुझे बताइए, what do you guys think about this, you know, series Hawkeye? What are your thoughts? And yeah, I just remembered before I go, you know, कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ क्लिक करता है माइंड में एकदम से. तो I was just scrolling through YouTube दिन में, जैसे आप लोगों को पता ही, जिनको नहीं पता उन्हें उनके लिए न्यूज़ होगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज ना लेट नाइट ही बनाता हूँ ड्यू टू यू नो बैकग्राउंड नॉइसेस. ये मेरा रूम है, रूम के पीछे बालकनी है, तो बहुत ज़्यादा यू नो शोर वगैरह, बच्चों के खेलने की आवाज़, ट्रैफिक, बहुत सारी नॉइज़ होती है. सो व्हाट आई डू इज मैं लेट नाइट बनाता हूँ ताकि यू नो बैकग्राउंड नॉइज सारा कट हो जाए जितना हो सकता है. उसके बाद भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन जितना भी नॉइज कट हो जाए. सो मैंने दिन में देखा हॉकआई का ट्रेलर आ गया, आई वाज हैप्पी कि ठीक है, रात को आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट. सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब एंड यू नो द वेरी फर्स्ट रिएक्शन चैनल आई एवर फॉल अपॉन वाज ऑब्वियसली जैबी कोवे. एंड यू नो जैबी कोवे का चैनल मैंने कुछ वीडियोस देखी थी इनिशियली स्टार्टिंग में, व्हेन यू नो ही वाज आल्सो स्टार्टिंग हिज यूट्यूब चैनल, एंड आई वाज लाइक आई कैन डू समथिंग लाइक दिस. सो यू नो बट जैसा आप लोगों को पता ही है, ही इज सो ह्यूज, ही इज लाइक अ बिग गन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रिएक्शन चैनल्स आई वुड से. सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड देखा मैंने जैबी कोवे ने पोस्ट डाली हुई थी, जिस पोस्ट में लिखा था दैट यू नो कि वीडियो उसने हटा दी, उसने 2-3 बार डाली, लेकिन वो उस पर कॉपी राइट आ गया जिसकी वजह से वो मोनिटाइज नहीं कर पाया, तो उसने पेट्रियन पर डाल दी. ही ट्राइड एंड ही इज एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, देयर इज अ होल पैराग्राफ रिटन. एंड एट दैट टाइम आई जस्ट थॉट कि तुम मतलब लेवल का फर्क देख रहे हो, कितना फर्क है लेवल में. यू नो मोर देन 95% ऑफ द वीडियोस ऑन माय चैनल आर नॉट इवन मोनेटाइज्ड बाय मी. यू नो ये सारी जो जितनी भी एड्स, अगर मुझे नहीं पता एड्स आते, अगर आते हैं तो उसमें से 95% आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग 95% ऑफ द टाइम्स वो पैसे उनके पास जाते हैं जिन्होंने मोनेटाइजेशन का क्लॉज डाल रखा है, जिन्होंने कॉपीराइट क्लेम लगा रखा है इसमें. और जैबी कोवे ने वो वीडियो 2-3 बार डाली, जो जुगाड़ किया एडिटिंग करके, म्यूट करके, सब कुछ करके, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो उसने वीडियो हटाई दी कि मैं इस वीडियो से पैसे नहीं कमा सकता, तो मैं ये वीडियो हटा रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ पेट्रियन पे. एंड आई वाज लाइक डैम, लोग अब पेट्रियन का सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप लेके भी इसको देखेंगे, यू नो बिकॉज यू नो दे आर हिज फैंस आई वुड से. लेकिन आई जस्ट रियलाइज दैट यू नो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं इस चीज के बारे में, मैंने कभी उस पैसों के हिसाब से नहीं सोचा इस चीज के बारे में. आई डू दिस बिकॉज ऑफ माय लव ऑफ सिनेमा, बिकॉज ऑफ माय लव ऑफ कॉमिक बुक्स, माय लव ऑफ यू नो जस्ट वॉचिंग स्टफ, चाहे वो एनिमेटेड हो, कार्टून हो, वीडियो गेम्स हो, मूवीज हो, सीरीज हो, हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग.
It's just my love and the kind of excitement I feel for that. That's why I do it. I don't do it for money. I don't do it for advertisements, monetization. That's not my thing. अगर उसमें मिल जाता कुछ फायदा तो ठीक है, you know, अच्छा आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है. But that's not why I started this. I started this because I love, you know, doing what I do. So, you know, just talk about movies. अगर ये वीडियो YouTube नहीं होता तो मैं, you know, चार दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा होता. तो लेकिन अब इस YouTube के जरिए से मैं, you know, उतने लोगों से, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जितने लोगों ने भी ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उन लोगों से वो बातचीत कर पाता हूँ. लेकिन इट जस्ट क्लिक्ड. इट्स नॉट अ डिस्कशन, इट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट. आई एम नॉट मेकिंग एनी एलिगेशन, एनी एक्यूजेशन. आई एम जस्ट, यू नो, ट्राइंग टू डू अ वेरी, यू नो, वेग कंपैरिजन दैट हाउ, यू नो, जस्ट सी द डिफरेंस, मैन, सी द डिफरेंस. A YouTuber is, you know, just worried because his video is not getting monetized. Because I'm assuming that उसकी sole income होगी. मैं job करता हूँ तो ये मेरी, you know, YouTube is not my only way of earning money. ये मेरी hobby है. I do a job actually जिससे मेरा घर चलता है. So उसके लिए होगी, उसके लिए बहुत matter करता होगा. लेकिन I was just thinking कि मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं मेरी video monetized नहीं हो रही है, मैं नहीं डालूंगा, मैं Patreon पे डालूंगा. गरीब. So that's it, guys. I just clicked my mind, so I just thought of sharing that with you guys. So that's all, guys. I'm sorry I took so much of your time, yaar. Mujhe ye kehne ki zarurat nahi thi. I'm just looking at the duration right now in the screen and I took so much of your time. I'm so sorry, guys. So sorry. I'll just close this video now. Thank you so much for watching this. Like, share, comment, subscribe. You know the drill. Sare links niche description box mein available hain. Do check out my second channel, which is a gaming channel. Right now I am playing Marvel Spider-Man Remastered. The full story is completed. I am playing the DLC now, which is called The City That Never Sleeps. Really interesting. Do check that out if you want to. And that's it. I'll see you soon. Ek nayi video ke saath. Till then, bye bye. Take care.